नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो बच्चों, अब सेक्शन बी। ओके, मैं आपको फटाफट फटाफट क्वेश्चंस की सीरीज देती हुई जा रही हूँ। हाँ, आंसर्स तो खैर मैं नहीं दे पाऊंगी, वो आपको पता ही है, बट हाँ ये भी है कि सपना की पाठशाला टेलीग्राम पे आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। वो भी आंसर्स आप ही के ही दोस्त मुझे दिए जा रहे हैं टेलीग्राम पे, जो आपसे जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे आंसर्स भेजते जा रहे हैं और उन आंसर्स को मैं चैनल पे पिन करती जा रही हूँ, तो आपको वहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो एक बार उन बच्चों के लिए भी ठीक है थैंक यू ज़रूर ज़रूर लीजिए कमेंट सेक्शन में, जो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। तो चलो अभी बात करते हैं सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी जो है वो पद विभाग है, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर मैं जो बोलेंगे आ गया, ठीक है। ओके, वन एक वाक्य में उत्तर लिखो, वन वन मार्क वाले क्वेश्चन आ गए, देन टू मार्क वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे ये हो गया फोर मार्क का क्वेश्चन। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो बच्चों, या तो फिर आपकी बुक में टिक कर लो, वीडियो पॉज करते 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 तो आपका हो जाएगा। ओके, ले लो ना ऊपर। ओके, देख लो ये वाले क्वेश्चंस, डन। ओके चलो नेक्स्ट, ये के पे बात करते हैं हम लोग। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, देख लो अच्छे से बच्चों, ठीक है। ट्रू फॉल्स एंड वन स्टेटमेंट आंसर, ये बच्चा स्क्रीनशॉट। ओके, देन टू और थ्री लाइन का स्टेटमेंट, और ये डिटेल क्वेश्चंस, डन बच्चों, चले आगे। ओके, फिर एक और ईयर का पेपर है, अगेन इसके अंदर मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, चले हो गया इतना। ओके, यहाँ पर ओके खरा खोटा ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है। वन मार्क क्वेश्चन, टू मार्क क्वेश्चन, और ये थ्री मार्क क्वेश्चन, देख लो बच्चों अच्छे से। ओके ना, डन, चलूँ आगे मैं। ओके चलिए, फिर से एक और ईयर का पेपर आपके सामने है, जहाँ पे ट्रू मैच द फॉलोइंग, ओके ट्रू फॉल्स, देख लो बच्चों अच्छे से क्वेश्चन, देख लो। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, ओके वन मार्क हो गया, टू मार्क हो गया, और ये थ्री मार्क हो गया, हो गया बच्चों। ओके, देख लेना अच्छे से क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, ना सेक्शन बी। ओके, अभी शायद पेपर जो है वो कुछ 18-19 के आसपास का है ये पेपर, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो कोई भी एक क्वेश्चन है जो चामा कर रहेगा, ओके फिर दो दो मार्क के क्वेश्चंस, ओके देख लेना बच्चों अच्छे से क्वेश्चंस, डन। ओके, फिर वन मार्क के क्वेश्चन। ये पेपर पैटर्न काफी पुराना है, इसके लिए आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ज्यादा मिले नहीं। ओके बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन बी। सो आई होप कि आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, बोर्ड ने किस तरह क्वेश्चन पूछे आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, कोई अगर ये कहे कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है सर्च करने पर, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है वो आज जो मैंने अभी पोस्ट डाला उसमें मैंने आपको दे के रखी हुई है, ठीक है। मैं आपको सारी किसी सुविधाएं जो है वो देती जा रही हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी हो नहीं। फिर भी कुछ और हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, संस्कृत हिंदी के लिए मैं एक बार गुजराती का कंटेंट फिनिश कर लूँ, बिकॉज यू हैव द एग्जाम, फिर मैं आपको हिंदी और संस्कृत कंटेंट दे दूँगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडी।